अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि शाकिब उल हसन ने आज बोला है कि अगर हम इंडिया को कल बीट कर देते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा, पाकिस्तान डिजर्विंग टीम थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश कल इंडिया को हरा पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो जीत पाएगा कल इंडिया से बांग्लादेश। हो भी सकता है, इस तरह ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हम जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं हरा सकता बांग्लादेश इंडिया को, शायद ना हरा सके। इंडिया ही लग रही है हमें तो, क्योंकि सारे मैच इंडिया जीत रही है तो वही है सारा स्ट्रॉन्ग ज़्यादातर। अच्छा, शाकिब उल हसन ने ये क्यों बोला कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए? सर वो असल में वो सरप्राइज देना चाह रहा होगा ना इंडिया को, जी जैसे वो पाकिस्तान से जीत के, मतलब वो सभी यही सोच रहे हैं कि जी ना, मतलब कि पाकिस्तान का ही है कि पाकिस्तान ही सेमीफाइनल में आ सकता है, तो वो सोच रहे हैं क्यों ना बांग्लादेश भी आ ही सकती है। बांग्लादेश पाकिस्तान से जीते और जब वो फिर आगे इंडिया से भी जीत जाएगी तो मे भी उसके भी चांसेस हैं। सर इंडिया को और बांग्लादेश को कंपेयर नहीं कर सकते आप, और इंडिया और पाकिस्तान को भी नहीं कंपेयर कर सकते। इंडिया का मिडल ऑर्डर चेक किया आपने, जब उसमें विराट कोहली ने 50 की है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट 50s में वो उनकी आती है, ठीक है, और क्लास कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंडिया का मिडल ऑर्डर से लेके उनकी बॉलिंग और उनका जो सारी टीम की जो फील्डिंग वगैरह है, उनको बांग्लादेश कंपेयर कर नहीं सकते आप। उनकी उनकी अर्शदीप सिंह की और भुवनेश्वर कुमार की बॉल जितनी स्विंग हो रही थी, उनको बॉल समझ ही नहीं आनी कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो वो बोल्ड होंगे सारे, नहीं कर जीत नहीं सकते, इम्पॉसिबल बात है। आपको क्या लगता है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जीतने की। तो आपको लगता है कि इंडिया वन साइडेड मैच जीत जाएगा? जीत जाएगा, मैच इंडिया का भाईजान। तो इंडिया की वर्ल्ड कप में क्या आप वर्थ देख रहे हैं फिलहाल? क्या इंडिया नेक्स्ट राउंड तक जाके वर्ल्ड कप जीतने तक जा सकते हैं? ये कप इंडिया ले जाएगा, क्योंकि एशिया कप ऑलरेडी इंडिया हार गया हुआ है, जिसमें अपना श्रीलंका कप लेके गया जो एशिया कप, ठीक है, ये कप इंडिया नहीं जाने देता। ये कप पूरी जान लगाएगा इंडिया, हालांकि आप देखिए इंडिया के पास अभी रविंद्र जडेजा मिसिंग है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, बॉलर भी है, फिर भी वो इतनी अच्छा टीम को लेके जा रहे हैं। भाई उनका मेन बॉलर आपका बुमराह वो भी इंजर्ड है। हाँ। वो होता तो इन्होंने फिर दुबई मचा देनी थी। और देखिए ये बात नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, नो डाउट, वो अभी उनकी टीम अच्छी है, लेकिन बाकी देखिए आज इंग्लैंड ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हाँ जी। तो उनका भी चांस है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से भी हो सकता है आगे, में भी न्यूजीलैंड भी आ सकता है। पेपर वर्क की बात करें, इंडियन टीम क्या आपको लगता है बांग्लादेश की टीम से वीक है? देखिए सर वीक, ये टी ट्वेंटी ऐसा एक फॉर्मेट है, इसमें कुछ नहीं पता चलता कौन कौन कब कुछ कर जाए। तो ठीक है, अब वो अगर मतलब कि विराट को, मतलब कि उनके ऊपर ओपनिंग कौन से, केएल राहुल कुछ खास स्टार्ट से नहीं चल रहा, मतलब अक्सर तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता ही नहीं है, ठीक है, इसी तरह रोहित शर्मा एंड पे आके कौन बच जाता, विराट बच जाता, या फिर उनका दूसरा जो आजकल मिस्टर 60 माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव अच्छे प्लेयर हैं वो बने हुए, मतलब एंड पे आके फिर उनके पास कुछ नहीं रहा, और उनके पास एक बॉलर अब मतलब कि उनका जो हर्षदीप सिंह, हर्षदीप सिंह बहुत अच्छा वो माशाल्लाह खेल रहा है, और जैसे उनके मतलब कि दूसरा फॉरेन क्रिकेटर उनके किसी ने कहा था कि इंशाल्लाह वो बाबर की विकेट लेगा, और उसने लेके दिखाई है, तो मे बी अगर उसको वो फेस कर लेंगे साकिब उल हसन खुद, तकरीबन कोई उसको 15 साल हो गए मेरे ख्याल में खेलते हुए, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप पिछला मैच देखा जाए तो इंडिया हारा भी है, मे बी हार जाए, लेकिन इंडिया हारने वाली टीम में से नहीं है। आपको लगता है? नहीं, इंडिया मुझे बहुत टफ टाइम देगा बांग्लादेश को, बहुत टफ टाइम देगा। मुझे तो लगता है वन साइडेड मैच जाएगा, इंडिया इजीली जीत जाएगी। वही कह रहा हूँ, इंडिया जीत जाएगा। यही यही। और रही बात है इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइन है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो खड़ा हो गया तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता? कोहली हो सकता है उनका कैप्टन। कोहली वो क्यों? बिकॉज इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर और उनकी बैटिंग ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरी बात है कि नो मैटर व्हाट जो बांग्लादेश है वो एज कम्पेयर टू इंडिया छोटी टीम है, तो बहुत कम रेयर चांसेस है कि बांग्लादेश जीत जाए। कौन सा प्लेयर इंडिया के लिए बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित होगा? आई थिंक विराट कोहली और पांडे। लेकिन हमारे ग्रुप में से साउथ अफ्रीका और इंडिया ये दो दो जाएंगे, और अगर इंडिया सेमीफाइनल जीता है देन दे क्वालिफाई टू फाइनल। यस। और इंडिया के कौन से ऐसे बैट्समैन है जो फील्ड पे खड़ा हो जाए तो मैच जीत आ ही जाता है? किंग कोहली। किंग कोहली की बैटिंग को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें, ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान क्यों नहीं पैदा कर पा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाबर आजम नो डाउट क्लास है उसकी, वो अभी पिछले कुछ मैचेस में नहीं चल रहा, उसकी बैड लक है। देखिए कोहली ने 2017 से लेके 2022 तक उसने वेट किया है, ठीक है, उसको टीम के अंदर रखा है, क्रिटिसाइज हुआ है, लेकिन उसने बाबर आजम से कैप्टेंसी ले ली जाए ना अगर, तो बाबर आजम इज नॉट लेस देन किंग कोहली। यस, अगर उससे कैप्टेंसी लेके और वो उसको प्रेशर एक कैप्टेंसी का छोड़ के तो वो सही तरह टीम में परफॉर्म करे तो बाबर आजम भी कोहली से कम नहीं। कल के मैच की प्रेडिक्शन, कितने परसेंट चांसेस हैं इंडिया के जीतने के या हारने के?
चांसेस तो वैसे इंडिया के बनते हैं, जैसे अगर देखा जाए परफॉर्मेंस इंडिया की तो इंडिया के बनते हैं चांस, वैसे क्रिकेट है हो सकता है कुछ भी कि बांग्लादेश कुछ कर सके, चांसेस हैं कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर। मैं कहूँगा 70% इंडिया और 30% बांग्लादेश। थैंक यू। कौन सा इंडियन प्लेयर है जो खड़ा हो गया आपको लगता है फिर इंडिया को कोई नहीं हरा सकता? वो विराट कोहली है जो अपनी क्लास है। विराट कोहली ने तो तबाही मचा दिया आगे, अगर कल अकेला विराट कोहली खड़ा रहा तो भी जीत जाएगा इंडिया। जी ऑफ कोर्स जीतेगा। और शाकिबुल हसन ने जो पाकिस्तानी टीम को बोला है कि अगर आप पाकिस्तानी टीम डिजर्विंग थी, आपको लगता है पाकिस्तानी टीम डिजर्विंग थी इसी साइड के साथ? जी डिजर्विंग थी। तो हम इतनी जल्दी हार क्यों गए हैं, बाहर कैसे हो गए? हमारी बैटिंग लाइन इतनी फ्लॉप गई है, हमारे बॉलर भी इतने फ्लॉप गए हैं, शाहीन एक भी विकेट नहीं ले पाया पूरे कप में। वो ना इंजर था, वो वापसी कम बैक कर रहा था इसलिए वो अपने रिदम में नहीं था। अच्छा। अपने असली रिदम है जो वो रिदम में नहीं था इसलिए वो। बांग्लादेश को कल का मैच जीतने के लिए कौन सा प्लेयर जो जल्दी पकड़ना पड़ेगा? विराट कोहली। ओनली विराट? विराट और सूर्य कुमार यादव। पांड्या का क्या ख्याल है? यार देखे ना, वो पांडे बहुत अच्छा ऑलराउंडर माशा है, लेकिन किसी किसी में विराट अब जब चल गया उसे पता है ना, जब तक वो ग्रीस पे खड़ा स्ट्राइक पे है इंडिया को पता हम कहीं भी नहीं जाने वाले। जब वो गया अब पीछे साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें, हालांकि सूर्य कुमार यादव 50 कर गया लेकिन विराट गया हार गए। अच्छा इंडिया की टीम में पहले सचिन तेंदुलकर था, वो स्कोर करता था इंडिया हारता था, विराट स्कोर करता था इंडिया जीतता है। यार वो देखे ना जिस तरह अब बाबर का और रिजवान का बना हुआ है का मतलब ये अपने लिए खेलते हैं और किसी लिए नहीं खेलते, लेकिन विराट अपनी टीम के लिए खेलता है, इंडिया के लिए खेलता है, इसलिए वो नहीं जीत पाते। आप देख लें मतलब कि आकब जवेद अक्सर कहता होता हमारा जब भी मैच होगा ना कराची किंग्स के साथ हमें टेंशन नहीं होगी, अगर बाबर क्रीज पे खड़ा भी हमें फिर भी टेंशन, क्यों? उसे पता क्या उसने स्कोर बनाना है। लेकिन हर बंदा कोहली कर रहा है, रोहित शर्मा क्यों नहीं? रोहित शर्मा भी है, केएल राहुल भी कैप्टन, क्योंकि उसने टीम को भी देखना है, उसने हार जीत को भी देखना है, तो कैप्टन हमेशा कोशिश करता है कि मैं अपनी टीम को जितवाऊँ, तो अपनी पूरी कोशिश करेगा और अच्छा प्लेयर भी है तो इसलिए वो बैटिंग कर सकता है अच्छी। और शाकिबुल हसन ने जो कहा है कि पाकिस्तान डिजर्विंग टीम थी वर्ल्ड कप जीतने की, इसी हमारी जो अभी जो टीम खेल रही थी ये जीत सकती थी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान बहुत आराम से आगे आ सकती थी, पाकिस्तान मैच ही ऐसी टीम से हारा है जिससे आज तक नहीं हारा था, आई थिंक जिम्बाब्वे से हारा है, तो जिम्बाब्वे से पाकिस्तान का हारना बनता ही नहीं था, उस टीम आज तक उस टीम ने पाकिस्तान को नहीं हराया, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया उस टीम ने, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। आप क्या कहें? सेम इस टाइम जो था कि जिम्बाब्वे से जीतेगी मैच, ठीक है पाकिस्तान तो आगे आएंगे, हम था कि फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा, फाइनल में जानी थी टीम, तो वो मुझे लग रहा था कि फाइनल में जाके इंडिया और पाकिस्तान का होगा, लेकिन जब ये जिम्बाब्वे से हारे हैं तो इन्होंने ज़रा मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मेरा था कि जीत जाएगी तो फिर हम इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखेंगे खुशी होगी, लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे से हार गए हैं जिसे ना हारने वाली टीम थी। जो इंडियन टीम हमेशा ही वर्ल्ड कप में इतनी स्ट्रॉन्ग होगी क्यों आती है? हम तो हमेशा दुआएं करते रह जाते हैं या फिर रन रेट चेक करते रहते हैं कि उस टीम का जा रहा है ऊपर आ रहा है, हम क्यों नहीं इंडिया की तरह खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं? इंडिया आई थिंक वो खुद काफ़ी अपने आप को ग्रूम करके आता है, पाकिस्तानी टीम कभी बर्गर खा रही है कभी कुछ खा रही है, हमारी टीम वैसे ही बस जब मैच होता है तब आ जाती है, अदरवाइज वो अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखते, दैट्स वाई फिर ये भुगत ही रहे हैं अभी।